जनसभा में बिगड़े अखिलेश के बोल। अखिलेश के बयान पर गरमाई राजनीति। राजनीति की लड़ाई पुलिस तक आई। खाकी पर आग बबूला हुए अखिलेश, जब पुलिस वालों को बताया बदतमीज। कन्नौज में 20 फरवरी को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सपा सुप्रीमो जनसंपर्क करने पहुंचे, जहां जिले के तीरवा विधानसभा क्षेत्र में मां अन्नपूर्णा ग्राउंड पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक जनसभा को संबोधित करने आए थे, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं और आम जनता में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं इस दौरान जनसभा में जुटी भीड़ अखिलेश से मिलने के लिए इस हद तक आतुर हो उठी कि कुछ लोग अखिलेश के मंच तक बढ़ने की कोशिश करने लगे। वहीं इस दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें संभालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ताओं पर सपा सुप्रीमो से मिलने का जुनून इस हद तक सवार था कि वो पुलिस की एक नहीं माने। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की बेहद कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प भी हो गई और धक्का मुक्की भी होने लगी। इसी बीच कुछ पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए डंडे का सहारा लेना चाहा। बस यही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने देख लिया। फिर क्या था, सपा सुप्रीमो ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को भी सियासत से जोड़ दिया और खुद उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ उनके बोल बिगड़ गए। उसके बाद अखिलेश ने मंच से ही, ए पुलिस वालों, तुमसे ज्यादा बदतमीज तो कोई नहीं है, ये कहते हुए नजर आए। तो चलिए आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव का वो वायरल वीडियो, जिसमें खाकी पर आग बबूला होते हुए नजर आए सपा सुप्रीमो। ए पुलिस वालों, ए पुलिस, पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस वालों, क्यों क्यों कर रहे हो ये तमाशा? ए, तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? अब अगर सपा सुप्रीमो के बोल बिगड़े हैं तो उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होना लाजमी था। अखिलेश यादव के पुलिसकर्मियों पर इस प्रकार की टिप्पणी करने के बाद अब ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। वही सपा सुप्रीमो के इस बयान ने एक बार फिर राजनीति का पारा भी बढ़ा दिया है। अब इस मामले में राजनीति और कितनी गर्माती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजवानी की रिपोर्ट।